बच्चों को मेरी ओर से स्पोर्ट्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अनुज चौधरी, अर्जुन अवार्डी, ओलंपियन रेसलर, डिप्टी एसपी उत्तर प्रदेश पुलिस। बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि खेल भी हमारे जीवन में उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि पढ़ाई। जैसे कि कुछ बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता, या उनका उनको कुछ अलग करने की चाहत होती है, या उनमें एक अलग कुछ जिनके अंदर अलग कैपेसिटी होती है, तो वो बच्चे खेल को अपना कैरियर बना सकते हैं। खेल से भी ऐसे बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं जो एक अच्छी हायर पोस्ट पे बैठे हैं, जो हमारे कई खिलाड़ी आईएएस तक भी पहुंचे हैं, और जो हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, माँ बाप के नाम के लिए, हम यदि खेल में मेडल लेते हैं देश के लिए किसी दूसरे देश से, और हम ओलंपिक या एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक लेते हैं, तो उससे देश का नाम भी रोशन होता है और आपका नाम भी होता है। आर्थिक स्थिति, गवर्नमेंट से इनाम मिलता है आपको, आपको इनाम के स्वरूप आपको एक अच्छी धनराशि मिलती है, और आज के टाइम खेल में बहुत सुविधाएं भी हैं। तो आप खेल को, स्पोर्ट्स को, जिस भी खेल में आपकी रुचि हो, कुश्ती हो, कबड्डी, बॉक्सिंग, वॉलीबॉल, उसको आप अपना कैरियर बना सकते हैं। पर हाँ, जैसे स्कूलों में मैं देखता हूँ कि बच्चे कोई बास्केट खेल लिया, फिर वही वॉलीबॉल खेल लिया, वही फुटबॉल खेल लिया, वही रेसलिंग में चला गया। नहीं, एक गेम को अपना टारगेट बनाओ और उसको प्रोफेशनल रूप से खेलो, बिल्कुल इस तरीके से जैसे सुबह शाम कोई भी अच्छा क्लब या सेंटर या कोई अखाड़ा या कोई भी एकेडमी आप ज्वाइन करें, और अपने कैरियर को, जैसे आप पढ़ाई में ध्यान देते हो, जिस तरह पढ़ाई करते हो, उसी तरह से आप खेल को भी अपना कैरियर बना के चलें, तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी और देश का नाम आप रोशन करोगे, पूरे देश को आप पर गर्व होगा। मैं अपनी बात यहीं कहकर ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।